चांदनी रउआ सभी के स्वागत कर रहा बानी अपना प्रोग्राम जरा हटके में। और ये प्रोग्राम में हम रउआ सभी के बतावे नहीं कोनो ऐसन शख्स के बारे में, कोनो ऐसन फिल्म के बारे में, कोनो ऐसन एल्बम के बारे में, कोनो ऐसन गाना के बारे में जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल बा। आप बहा बहुते अलग, बहुते खास, यानी कि सबसे हटके, यानी कि जरा हटके। और ये प्रोग्राम में हम रउआ सभी के ये बात कुली बतावे नहीं जौन की इंडस्ट्री से जुड़ल बा और सबसे अलग बा। तो चलिए आज हम रउआ सभी के बता देते नहीं कि कौन चीज के बारे में रउआ सभी के बताएं। सबसे पहला बात तो ई बा जौन ध्यान गौर करे वाला जौन बात बा वो ई है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल एक से बढ़कर एक वो फिल्म बनत रही सन और ये बहुत तेजी से रिलीज भी हो रहा बड़ी सन। और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के दायरा बढ़ल जाता। पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के ज़्यादातर बिहार में आ यूपी में यानी पूर्वांचल में देखा जात रहे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा बढ़ल एकर दायरा कि पश्चिमी यूपी होके, चाहे गुजरात होके, चाहे होके साउथ इंडिया और चाहे होके बाहर से इंडिया के बाहर के जगह यानी कि दूसर देश, हर जगह भोजपुरी इंडस्ट्री के तेजी से विकास हो रहा बा। हर केहू पसंद कर रहा बा, हर केहू जान रहा बा भोजपुरी भाषा के बारे में। और ये सबसे बड़का जौन बात बा भोजपुरी भाषा के बारे में वो ये है कि हर केहू के ही भाषा समझ आ जाएला, बेशक कितना भी कठिन बा, लेकिन एकर वीडियो को लिए ऐसा होकेला, एकर बात को लिए ऐसा होकेला, ए इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन को लिए ऐसा बा लोग जरा से मिले के बाद से दर्शक लोग के अपना जैसन महसूस होकेला, अपना जैसन ही लागेला कि कोनो अपना देश के आदमी आ गई, अपना समाज के आदमी आ गई। और ये भोजपुरिया लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़ले बड़े। तो चलिए रउआ सभी के बताओ तनी आज भोजपुरी इंडस्ट्री के कोनो ऐसा ऐसा खबर जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री से बा लेकिन काफ़ी हटके बा। कहें कि रउआ सभी जानत नहीं कि भोजपुरी के जौन स्टार लोग हो गया, चाहे कोनो स्टार होके, कोनो इंडस्ट्री के स्टार होके, हम के खाली भोजपुरी के बात नहीं की करत, कोनो इंडस्ट्री के स्टार्स होकेला लोग, तो वो लोग फिल्म में जौन दिखाई देला लोग सच में ना होकेला लोग, और जौन सच में होकेला लोग फिल्म में ना दिखाई देला लोग। और कई गो स्टार तो ऐसा होकेला लोग कि फिल्म में जैसन बा लोग उनकर कहीं ना कहीं उनका से उनकर रियल लाइफ भी इफेक्टेड बा, उनकर करेक्टर रियल लाइफ से भी मिलेला। तो चलिए बताओ तनी रउआ सभी के, तो जन अभी जन खबर आ रहा बा बहुते जबरदस्त खबर बा, रउआ सभी जानिए गई लोग अब कि संघर्ष जन मूवी आवे वाला बा, ओकरा में ओकर दोसर पोस्टर अभी रिलीज भइल बा और ये बहुते जल्दी रउआ सभी के ट्रेलर और टीजर भी देखे के मिली। लेकिन जन सबसे बड़का बात बा वो ये है कि पहले जन संघर्ष मूवी के पोस्टर आयल रहे ओकरा में खेसारी लाल यादव के एकदम दमदार और ये एक्शन भरा फोटो रहे और ये ओकरा उनका सामने एगो बच्चा के फोटो रहे और खेसारी लाल यादव के काफ़ी ज़्यादा सिक्स पैक ऐप दिखाएल गेल रहे, जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला कोनो ऐसा हीरो बा जौन के सिक्स पैक ऐप दिखा रहल बा, चाहे ओकरा खातिर मेहनत कैले बा। और इस साथे साथ अब जौन दूसर पोस्टर रिलीज भइल बा एकरा में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव दोनों बा लोग। और साथे साथ ही वो बता दी कि ये पोस्टर में वो दोनों के ब्याह के सीन दिखाएल गेल बा, काजल राघवानी या खेसारी लाल यादव के हाथ में जयमाल बा, यानी कि जयमाल के सीन दिखाएल गेल बा। और देखिए एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल खेसारी लाल यादव अपनी आने वाले फिल्म संघर्ष को लेकर काफ़ी चर्चे में हैं और इस फिल्म का दूसरा पोस्टर भी जारी हो गया है। बता दें कि इस फिल्म के पहले पोस्टर में खेसारी लाल का एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था और उनके इस पोस्टर में उन्हें सिक्स पैक ऐप की काफ़ी चर्चा हुई थी और ये पोस्टर दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आया था। और इस बार जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की शादी का सीन देखने को मिल रहा है। बता दें कि इसमें काजल और खेसारी का जयमाल देखने को मिल रहा है, जिसमें काजल और खेसारी लाल ने हाथों में जयमाला पकड़ी हुई है। बता दें कि फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम जोरों पर है और जल्दी ये फिल्म लोगों को देखने को मिलने वाली है। बता दें कि इस फिल्म के बारे में खेसारी लाल यादव ने बताया था कि यह फिल्म एक लड़की की यानी एक बेटी पर आधारित है और देखना यह दिलचस्प होगा कि यह फिल्म लोगों को कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि अब तक जो भी पोस्टर, इनके दोनों पोस्टर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए हैं। तो जैसन की रउआ सभी देखबे कहीं नहीं कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के दोनों ऐसे भी ये जोड़ी के काफ़ी ज़्यादा पसंद कल जाला, लेकिन ये पोस्टर के काफ़ी ज़्यादा पसंद कल जा रहा बा, लोग काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहा बड़े। और साथे साथ यो बता दी कि जौन फिल्म आ रहा बा संघर्ष, एकरो खातिर लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा बड़े। काहे कि ये फिल्म के कहानी दनी अलग बा, भोजपुरी दर्शक लोग के काफ़ी ज़्यादा इंतजार बा। ऐसे ही खेसारी लाल यादव अपना कोनो भी फिल्म में कुछ ना कुछ हट के ले आवे ले
ले यही से वो भोजपुरी के सुपर स्टार कहलावे ले। तो अपन सुपर स्टार के जो फर्ज बा वो हमेशा निभावत नजर आवे ले। तो चली अगला खबर की तरफ बढ़त तनी। जन अगला खबर बा वो ई ह कि काजल राघवानी आजकल एकदम फ्री बाड़ी, काहे कि अभी एकदम लगातार से दोगो फिल्म के शूटिंग कैली दुल्हन गंगा पार के और संघर्ष के, ले ओकरा बाद से काफ़ी ज़्यादा थक गई रही। तो अभी अपना फैंस संगे और अपना फैमिली और फ्रेंड्स संगे बहुते क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा बाड़ी, और साथ ही साथ अपना खुद के संगे संगे यानी कि अकेले भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा बाड़ी, और ढेर सारा फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहा बाड़ी, और लोग भी काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहा बाड़े। रउआ सब के यादें होगी कि काजल राघवानी एक के बाद एक कई सारा फिल्म एक के साथ शूट कैले बाड़ी, ओकरा बाद से काफ़ी ज़्यादा थक गई बाड़ी, और एक बहुते सारा ऐसा फोटो डाला तरी अपलोड कर रहा बड़ी सोशल मीडिया पे, जेकरा के देखे के बाद रउआ सभी के लागी कि काम कैला के बाद आज वो कितना सुकून के सांस ले रहा बड़ी, आ फिल्मी दुनिया से अभी कुछ देर खातिर शांत दूर बड़ी। तो देखिए ये फोटो के बारे में। आजकल फिल्म संघर्ष काफ़ी चर्चा में है और लोग भी इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए इस फिल्म के एक्टर्स काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की, तो वो लोग आजकल बिता रहे हैं कुछ खास लम्हे अपने कुछ खास लोगों के साथ। बता दें कि अभी हाल ही में काजल राघवानी ने अपना एक फ़ोटो शेयर किया जिसमें वो काफ़ी शांत नज़र आ रही हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि काजल काफ़ी दिनों के बाद सुकून की सांस ले रही हैं। जाहिर है कि फिल्म संघर्ष की शूटिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी और खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी दोनों ही शूटिंग में काफ़ी व्यस्त थे, और अब जबकि फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है तो अब वो खेसारी लाल और काजल दोनों ही काफ़ी फ्री हैं और अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स और फैंस को भी ढेर सारा टाइम दे रहे हैं और अपनी फिल्मी जिंदगी की भाग दौड़ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। बता दें कि लगातार फिल्म दुल्हन गंगा पार उसके बाद से संघर्ष, फिल्म दुल्हन गंगा पार और संघर्ष की दोनों की शूटिंग लगातार करने के बाद से खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी काफ़ी समय के बाद इस बार आराम फरमाने जा रहे हैं। तो हर कोई खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहा है। तो जैसन की रवा सब देखनी कि आजकल काजल राघवानी काफ़ी सुकून के सांस ले रहा बड़ी, और ये अपना फैमिली या फ्रेंड या फैंस के साथ अपन कुछ बात शेयर कर रहा बड़ी, अपन कुछ फोटो शेयर कर रहा बड़ी, अपन अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा बड़ी। तो चलिए काजल राघवानी जी के तो ऐसे ही चलत रही, कहें कि वो हमेशा कोनो बात के लेके चर्चा में रहेली और हर के उनका बहुत प्यार करेला। तो चलिए अगला खबर के तरफ बढ़ल जाओ। अगला खबर जोन बा प्रियंका पंडित जी से जुड़ल बा। रोज सब तो जानते बानी कि प्रियंका पंडित हमेशा कोनो बात के लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहेली, और ये बार भी वो अपन सोशल मीडिया पे एगो फोटो के लेके काफ़ी चर्चा में आ गल बड़ी। बता दी कि ये फोटो में वो एगो खास शख्स के जन्मदिन मनावत नजर आवत रही, और साथ ही साथ ये बता दी कि जन्मदिन और ही कोनो खास इंसान शख्स के नहीं खे बल्कि उनका भाई के बा, और अपना भाई की वो का बधाई देली देखी रिपोर्ट में। आजकल प्रियंका पंडित फिल्मों से दूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिता रही हैं कुछ खास पल, और अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर काफ़ी मस्ती करती नजर आ रही हैं। बता दें कि ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हाल ही में प्रियंका ने एक खास शख्स का जन्मदिन मनाया और अपने फैंस के साथ फोटोज़ भी शेयर की। बता दें कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उनके भाई हैं, और वो अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं, और बीते दिन उनका जन्मदिन था और इस मौके पर उन्होंने भाई के साथ जमकर मस्ती की और उनका जन्मदिन मनाया। बता दें कि आजकल प्रियंका किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रही और अपने इस फ्री टाइम में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी मस्ती कर रही हैं और सोशल मीडिया पर ढेर सारी पोस्ट भी डाल रही हैं। बता दें कि प्रियंका अपने किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चर्चे में बनी रहती हैं और उनके ढेरों आलोचक के साथ साथ ढेरों फैंस भी हैं, और फैंस उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो रउआ सब देखनी कि प्रियंका पंडित कैसे अपना भाई के जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा बाड़ी। सबसे बड़का बात ये बाकी प्रियंका पंडित अपना फैमिली से बहुते ज़्यादा प्यार करेली और सबसे ज़्यादा अपना भाई से प्यार करेली, जिनका संगे वो ज़्यादातर फोटो कुली डालत रहेली। लेकिन साथ ही साथ ये बता दी कि प्रियंका पंडित जौनों बात हो खेला एकदम खुल के बोले ली मीडिया के सामने, तो कई बार तो उनका के ट्रोल भी कह दिया जाला, लेकिन कई बार उनकर बात के काफ़ी ज़्यादा मानल भी जाला। आखिर फंसेला हुए जो जौन भागे के
हिम्मत रखेला तो सबसे बड़का ई बात बा प्रियंका पंडित में कि वो हमेशा अपन कोनो बात रखे में हिचकिचाए ली ना, और ये सबसे ज़्यादा उनकर फैंस भी बड़े उनका के ज़्यादा पसंद करे वाले बड़े, और जगह जगह उनका उनकर तारीफ कर जाला उनका हर एक बात के। और ये सबसे बड़का बात ई बा प्रियंका पंडित में कि हमेशा चुलबुलापन रहेला उनका में, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैंस कुली के साथ हमेशा बनल रहेली। तो चली आज के जरा हट के प्रोग्राम में इतने, लेकिन अगला बार फिर से रहुआ सभी के सामने हाजिर होकर कुछ ऐसन खबर, कुछ ऐसन फिल्म, कोनो ऐसन एल्बम, कोनो ऐसन गाना लेके जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल बा बहुते खास, कुछ अलग बा और जरा हट के बा। और सबसे बड़का बात ये बा कि जरा हट के में हम रहुआ सभी के कुछ ऐसने बात बतावे नहीं जौन की सबसे अलग बा, जौन की न्यूज के एक्सक्लूसिव में ना आवेला, लेकिन दर्शक लोग खातिर वो कुली बात काफी ज्यादा मायने रखेला। है कि दर्शक लोग हमेशा अपना फेवरेट स्टार लोग के बारे में जाने के इच्छुक रहेले, और यही प्रोग्राम में हम रउआ सभी के बतावे नहीं रउआ सभी के फेवरेट स्टार्स कुली के बारे में। तो चलिए आज खातिर बस इतना ही, हमरा के दी विदा, और रउआ सभी देखत रही नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। नमस्कार। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई।